हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? तो देखिए, व्हाट हैज कॉज्ड द रीसेंट थाव इन यूएस वेनेजुएला टाइज। तो यूएस वेनेजुएला टाइज में क्यों थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है, देखते हैं। और वो जानने से पहले पता होना चाहिए यूएस वेनेजुएला कहाँ पर है वर्ल्ड मैप में। जैसे कि मैं अगर सोच रहा हूँ, मेरे लिए ये ग्लोब है, तो मैं बता पा रहा हूँ ये यूएस है ऊपर में, यहाँ पे नीचे में आपका साउथ अमेरिका है, उसके नॉर्थ में वेनेजुएला है। ठीक है, ये मेरे को समझ आ रहा है। और यहाँ पे आप देखिए अफ्रीका, नीचे में साउथ अफ्रीका, अफ्रीका के सबसे नीचे में साउथ अफ्रीका, उसके इधर में इंडिया। मेरे को समझ में आ रहा है। ये चीज़ आपके माइंड में भी होनी चाहिए। तो उसको करने के लिए पहले चलिए एक बार लोकेशन देख लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है। ये इंडियन ओशन से हम लोग चले गए अटलांटिक ओशन में, फिर ये रहा ये एस शेप में आपका अटलांटिक ओशन। यहाँ पे देखिए यूनाइटेड स्टेट्स दिख रहा है, तो ये तो यूएस है। और मैंने क्या बोला, उसके नीचे में साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका के नॉर्थ में वेनेजुएला, तो ये रहा आपका वेनेजुएला। ठीक है, अब इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। अब देखते हैं वेनेजुएला क्या है, कहाँ है, कैसे है, किसके साथ है। चलिए एक बार देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। आप देखिए, ये हमारी हो जा रही है वेनेजुएला की लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कैरेबियन सी है। ठीक है, ये वेनेजुएला हो गया आपका। कराकस कैपिटल है, कराजस इसका पोर्ट है, एक कराजस इसका लार्जेस्ट पोर्ट है। यहाँ पे ऑयल रिजर्व्स है, वर्ल्ड के हाईएस्ट रिजर्व्स हैं यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। ठीक है, कोलंबिया से बॉर्डर शेयर करता है, कोलंबिया का कैपिटल बोगोटा। यहाँ पे आप देखिए गुयाना से बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पे आप देखिए ब्राज़ील से बॉर्डर शेयर करता है, जिसका कैपिटल ब्राज़ीलिया है। तो ये तो इसके बॉर्डर शेयरिंग जगह हो गए। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे मैंने बताया अटलांटिक ओशन है। ठीक है, ये अटलांटिक ओशन है, और ऊपर में इसके यहाँ पे यूएस है। तो यूएस के साथ क्या बातचीत है, हमें वो देखना है। चलिए देखते हैं, मारिया कॉर्निया मेचाडो हैज़ वॉन अ ह्यूज विक्ट्री इन द अक्टूबर 22 वेनेजुएलियन अपोजिशन प्राइमरी। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जस्ट डे अर्लियर हैड एग्रीड टू ईज ईयर लॉन्ग ब्रूटल सैंक्शंस अगेंस्ट द कंट्रीज ऑयल गैस एंड माइनिंग इंडस्ट्री। तो यूएस बोला है कि यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम थी उसको ठीक किया जाएगा। इन एक्सचेंज फॉर प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन वेनेजुएला इन 2024। वाई नाउ, अभी क्यों? अ पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर द री एंगेजमेंट बिटवीन वॉशिंगटन एंड दी कराकस। ये कराकस आपका क्या है, कराकस आपका कैपिटल है, कराजस आपका पोर्ट है। ठीक है, लाइज इन द चैलेंज प्रेजेंटेड बाय द शिफ्ट इन जियो पोलिटिकल रियलिटीज कॉन्सिक्वेंट टू ऑन गोइंग वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। ठीक है, ये रशिया यूक्रेन के वॉर के कॉन्सिक्वेंसेज है। विद इन वीक्स फॉर फेब्रुअरी 2022 इन्वेजन, द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन डिस्पैच टॉप ऑफिशियल टू नेगोशिएशन विद कराकस, द कंट्री विद द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व। आप देखिए, यही मैंने आपको बताया, वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है यहाँ पे। सो एज टू स्मूथ द एफर्ट ऑफ द एनर्जी क्राइसिस इशूइंग फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट, अनदर डायमेंशन ऑफ द री एंगेजमेंट वेयर द एप्रीहेंशंस ओवर द पोटेंशियल रीजनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस ऑफ मॉस्को बैकिंग ऑफ इट्स लैटिन अमेरिका अलाइज इन द इवेंट ऑफ डीपनिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू सुपर पावर्स। कराकस हैज़ मोर और लेस वेदर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द यूएस एंड यूरोपियन यूनियन सेक्शन ऑन इट्स एनर्जी सेक्टर थैंक टू क्रूशियल सपोर्ट फ्रॉम क्यूबा, चाइना, रशिया एंड ईरान। फॉर प्रेसिडेंट मुडुरो द रिवाइवल ऑफ टाइज विथ वॉशिंगटन कुड मीन द बिगनिंग ऑफ द एंड टू हिज गवर्नमेंट्स डिजास्ट्रस इंटरनेशनल आइसोलेशन एंड फॉलो अप द ट्रंप्स एडमिनिस्ट्रेशन सेवरेंस ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द कंट्री। तो अब टाइज अच्छे हो रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम अब ख़त्म हो रही है। फ्रॉम इट्स पोजिशन एज लैटिन अमेरिका फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी, वेन मिस्टर मुडुको टुक ऑफिस इन 2013, वेनेजुएला हैज स्लम्प्ड विद इन ईयर टू बिकम वन ऑफ द रीजन्स पुअरेस्ट। अब वो सेंक्शन के वजह से रीजन का पुअरेस्ट हो गया है, पहले फोर्थ नंबर पर आता था ये वेनेजुएला। द सेंक्शन विल इनेबल वेनेजुएला स्टेट ओन ऑयल फर्म्स टू रिज्यूम ऑयल प्रोडक्शन एंड पोटेंशियल रिस्टोर द कंट्री एक्सेस टू यूएस फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। वॉट इज द रोड अहेड, आगे का क्या काम होगा इसमें? द वेनेजुएलन अपोजिशन हैज रिसीव्ड स्ट्रॉन्ग पोल रेटिंग सिंस द विक्ट्री इन 2022 रीजनल पोल इन द बरिनस स्टेट एंड होमलैंड फॉर फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड मिस्टर मरुदो मेंटोर हुगो चावेज।
but it is highly fragmented, as evidenced by the 8 candidates who ran in the recent primary, even as it continues to encounter formidable resistance from the Maduro government. President Maduro has himself remained unfazed by international outrage against his autocratic ways. The crippling socio-economic crisis at home has forced a mass exodus of over 7 million people across the region, with the International Criminal Court investigating Venezuela for crime against humanity in the wake of humanitarian crisis that followed. One UN report documented a high number of extrajudicial killing by Maduro regime. तो हम लोग देख रहे हैं ये थोड़े से ऑटोक्रेटिक है, यहाँ पे ये अपने मन की करते हैं. मोर एवर इट इज़ बाय नो मीन सर्टेन दैट मिस्टर मिस मैकोडो फ्रॉम दी वेंटे वेनेजुएला पार्टी वुड बी अलाउड टू टेक ऑन प्रेसिडेंट मडुरो इन नेक्स्ट ईयर्स कॉन्टेस्ट डिस्पाइट द ओवरवेलमिंग बैकिंग शी रिसीव्ड इन द प्राइमरी. The former legislature was disqualified in June from holding public office for 15 years on allegation of corruption and support for American sanction. Ms. Makodo is continuing on hopes that her massive victory in the recent opposition primary will hold sway over the electorate and force the government to reserve the decision. But her hardline stance, such as the demand for President Maduro to be tried for war crime, support for economic sanction on the government and advocacy for foreign military intervention against it. ठीक है, ये हमें इतना हमारे exam point of view से important नहीं होता है. It would therefore be premature at this stage to presume President Maduro, who has been in office since 2013, would want to risk a competitive contest next year. Biden administration has accordingly signaled that the quantum of the sanction relief would depend on the distance the government can cover towards the democratic progress area. अरेस्टिंग वेनेजुएलन डाउनप्लेट्स पर. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया. सबसे पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लेते हैं हमारे जो इंडिया में एग्जाम चल रहे हैं वो क्या पूछेंगे. लोकेशन पूछेंगे भाई, ये लोकेशन पूछेंगे. दूसरा, यहाँ पे इनके टाइज अच्छे होने से, टाइज आर गुड, इम्पैक्ट ऑन इंडिया, ये हमें पता होना चाहिए. और टाइज आर बैड, तब भी इम्पैक्ट ऑन इंडिया में पता होना चाहिए. थर्ड, फोर्थ पे था, सेंक्शंस लग गए, लास्ट पर आ गया. कहाँ से? साउथ अमेरिका में. अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ वेनेजुएला का, यहाँ पर है, यहाँ पे बड़ा सा आपका ब्राज़ील आ गया, यहाँ पे आप देखिए चिली आ गया, यहाँ पे अर्जेंटीना आ गया, यहाँ पे उरुग्वे आ गया, यहाँ पे पराग्वे आ गया, यहाँ पे बोलीविया आ गया, यहाँ पे आप देखिए पेरू आ गया, यहाँ पे इक्वाडोर आ गया, यहाँ पे आपका क्या था आपका कोलंबिया आ गया, यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा सा मिस कर दिया मैं, ग्वेना है, सुरीनेम है, फ्रेंच ग्वेना है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, पेरू है. तो ये सारे कंट्रीज यहाँ पे हमने देखे, ये तो आ रहे. अब इसमें अब गिनिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जितने भी कंट्रीज है उसमें वो फोर्थ पर थे और अब लास्ट पर है. तो ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है. इधर में को क्या है, अटलांटिक ओशन है, इधर में क्या है, पैसिफिक ओशन है. ठीक है, यहाँ पे नीचे में ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, यहीं पे आपका एलनिनो वाला इफेक्ट हो जाता है. ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अफ्रीका है आपका. तो ये तो लोकेशन हो गया, यहाँ से क्या क्या प्रॉब्लम थी वो हमने देख ली. तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ओवरऑल एक ग्लोबल पिक्चर इंपॉर्टेंट होती है, ना कि उनके इंटरनल पॉलिटिकल मैटर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. So thank you guys, please work hard to achieve all your dreams.